Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. <laughs> है ये बात परीक्षा करनी है पास, रोके अपनी सास अपनी एक ही आस एक आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस ना तो ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर गाड़ दे आसमा को फाड़ दे दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पेपर और इस खास सेशन में मेरा नाम है विशाल परिहार हर दिन सुबह सात बजे करते हैं हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन आज है एक तारीख नया मंथ शुरू हो रहा है नई चीजों की शुरुआत तो कल से ही हो चुकी है क्योंकि अपने पास बचे हुए थे सिर्फ दस दिन दिन और अब बचे हुए नौ दिन और लगातार कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ते जाइए क्योंकि आपका एग्जाम है दोस्तों दस तारीख को और दस तारीख को एग्जाम को आप सब लोग बढ़िया से देकर आए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में आज की शुरुआत करेंगे एक बढ़िया सी चीज को लेकर दिमाग में रखते हुए वो ये मन शांत रखना परीक्षा नजदीक है ये मेरी एक एडवाइज है मेरी तरफ से होता क्या है कि जितना ज्यादा हमारे पास समय बीतता जाता है कम टाइम बचता जाता है उतना ज्यादा हम ना अपने अंदर से बहुत ज्यादा एकदम केयोज हो रखा होता है बहुत अफरा तफरी रोकती ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें ऐसा भी कर ले ऐसा नहीं होता है आपने पिछले महीने से चार महीने से छह महीने से पढ़ाई करी है उस पर भरोसा रखिए सिर्फ रिवीजन करिए अपने आप को शांत रखकर मैक्सिमम तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए एंड द मेन थिंग इज अबाउट रिवीजन रिवीजन करिए जो जो चीजें आपको लगती है कि यार रिवीजन के साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा अभी पढ़ने की जरूरत है उनको पढ़िए बट नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर मन को विचलित मत होने दीजिए कि ये कर लूं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं इन सारी की चीजों के चक्कर में होता क्या है कि कई बार आपको आती हुई चीजें भी आप भूल जाते तो ये मत होने दीजिए शांत रखिए परीक्षा नजदीक है ठीक है इस चीज को दिमाग में रखते हुए करते हैं दोस्तों हम शुरुआत में आवाज सुन लू सब साफ आ रही है ओके okay, सब कुछ बढ़िया सब बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रखिए चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज भी हम मिलेंगे सुबह नौ बजे कल हम लोगों ने पेपर वन किया था पेपर वन चार हजार से ज्यादा स्टूडेंट देख रहे थे और आप उसमें से थे कि नहीं ये आप देखिए अगर नहीं थे तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा आज भी आज भी वो सारे के सारे स्टूडेंट होंगे पूरा का पूरा पेपर हम उसको भी सॉल्व करेंगे इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था तो सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में बैंकर्स वे के नाम से आप जाके ज्वाइन कर लेना ठीक है चलिए

अगला आर्टिकल दोस्तों ये आपको मालूम है आईपीएल चल रहा था है ना इंडिया में और उसके बाद कोविड के केसेस आ गए प्लेयर्स के बीच में उसके बाद क्या है कि बायो बबल भी बनाने के बाद बायो बबल बनाने के बाद भी वो टूट गया बायो बबल और केसेस हो गए तो अब दूसरा जो एक वेन्यू पहले भी सोचा जा रहा था वो यू है अब यू में होगा मैच तो उसको लेकर है डिटेल डिस्कशन है अपने एग्जाम के लिए ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस रीडिंग के लिए थोड़ा थोड़ा हम जरूर पढ़ लेंगे तो हमारे काम की चीज़ होगी अगला दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ हम इसको पढ़ेंगे हाउ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड्यूर्स कैसे चाइनीज कम्युनिटी पार्टी आगे बढ़ी उससे फिर चाइना का क्या बेनिफिट हुआ कैसे चाइना लीड हुआ धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन दिया हुआ है सो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम इसको भी करेंगे आपके लिए रीडिंग में काफी सारी चीजें आएंगी अगला आर्टिकल दोस्तों ये है ये आर्टिकल हम कल पढ़ चुके थे याद है आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मूवी बनानी है किसी फिल्म मेकर को तो उस फिल्म मेकर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी नया जो अगर आ, जो ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग तो वही चीजें यहां पर दी हुई है नया कुछ पॉइंट नहीं है तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में पढ़ने के लिए कम टू नेक्स्ट पेज यूजली होता नहीं है कि आज के दिन कोई इंटरव्यू आए बट आज के दिन ये इंटरव्यू आया हुआ है और इस इंटरव्यू को आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक लिबलाइजेशन को लेकर ये इंटरव्यू है किस तरीके से इकोनॉमिक लिबलाइजेशन शुरू हुआ नाइनटीन में और उसके बाद से कैसे कैसे इंडिया अपने आप को आगे बढ़ा पाया क्या क्या इंडिया ने कदम उठाए और उन सारे कदम उठाने में जो मॉन्टिक सिंह अवलीवालियाँ हैं उनका कितना बड़ा रोल था ये काफ़ी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको भी पढ़ेंगे बाकी मैं दूंगा आपको होमवर्क में पढ़ने के लिए तो वो आपके लिए काम की चीज होगी ठीक है तो सबसे पहले करेंगे इन सबकी वो क्या निकालेंगे एक ही करके वो क्या नोट करते हैं और आओ फटाफट से वक्याप लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों चलिए सेशन शुरुआत करते हैं हर लोग सब लोग सेशन की शुरुआत करेंगे जल्दी से एक बार लाइक बटन पर प्रेस करते हुए थम्स अप पर प्रेस करके कि जी सर बिल्कुल शुरुआत करते हैं सेशन की और अच्छे समझ में आता जाए सेशन हम बढ़िया सीखते जाएं यही दिमाग में रखना है जो दिक्कत वगैरह आएगी समस्या आएगी वो मुझे दोस्तों बताते जाएगा चलिए दोस्तों वो क्या आप लिखना शुरू करिए पहला वर्ड आपके लिए असर्ट असर्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देते हुए आप किसी बात को कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं बट फोर्सफुली उस बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं तो वो चीज़ आपकी असर्ट कहलाती है वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है हमने लिखा है हमने लिखा है यहाँ पर स्टेट अ फैक्ट और बिलीफ कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुली फोर्सफुली और कॉन्फिडेंटली आप किसी चीज़ को कहते हैं स्टेट करना होता है कहना किसी फैक्ट के बारे में किसी बिलीफ के बारे में जोर देते हुए हमने यहां पर लिख दिया हिंदी में जोर देते हुए कहना <laughs> कहना तो रह गया मुझे तुमसे कुछ कहना है तो कहना रहेगा जोर देते हुए तक रहेगा कहना और ऐड कर लेना ठीक है समझ गए दोस्तों <laughs> अगला आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज ट्रिकल डाउन ट्रिकल डाउन का मतलब क्या हो जाता है कि ऑफ वेल्थ मतलब ग्रेजुअली बेनिफिट धीरे धीरे बेनिफिट मिल रहा है जो सबसे ज्यादा गरीब सेक्शन है ये जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है क्यों बेनिफिट मिल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग वेल्थ ऑफ द रिच रिचेस्ट क्योंकि जो रिचेस्ट हैं जो लोग अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं या उनकी वेल्थ और इंप्रूव हो रही है जिससे कि जो गरीब हैं उनको धीरे धीरे बेनिफिट मिल रहा है तो जैसे कंपनीज़ होती हैं तो कंपनीज़ के साथ कॉन्सेप्ट तो ये कंपनी जितना ज़्यादा ग्रो करती है एम्प्लॉइज़ उतने ज़्यादा हायर हो पाते हैं उतना ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है यही कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है तो बड़े लेवल पर कंपनी को देख लेंगे बड़े लेवल पर देश को देख लेंगे सेम एज छोटे लेवल पर और छोटी छोटी चीज़ों को देख लेंगे तो वो रिचेस उनके लिए वो हो जाएंगे समझ के दैट इज़ दी ट्रिकल डाउन अगले बड़े इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन दोस्तों आपका नाउन की तरह दिया हुआ है वर्ड क्लास में आई ओ एन है नाउन की तरह यूज होगा इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन का मतलब ऑल दो इट इज नॉट एक कॉन्क्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं। यह ऐसा ये हो सकता है इसका परिणाम ये हो सकता है बल्कि वो क्लियरली उसके बारे में अच्छे से पता नहीं है क्लियरली किसी चीज के बारे में स्टेटेड नहीं है फिर भी आप जो कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी उस ड्रॉ करने वाले कॉन्क्लूजन को हम कहते हैं दैट इज द इंप्लीकेशन वो आपके इंप्लीकेशन होते हैं वो आपके प्रभाव होते हैं इसके प्रभाव क्या है राइट right? अगला वर्ड आपके लिए एक्सचेकर एक्सचेकर का मतलब क्या होता है जैसे कोई कंट्री होती है ना तो कंट्री की नेशनल ट्रेजरी होती है वो कुछ पैसा कंट्री जमा करके रखती है कि वो उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा चाहे फिर कभी आपदा आ गई तो लोगों की मदद करने में चाहे वो कॉन्टिजेंसी फंड के रूप में किसी भी तरीके से तो उस पैसे को उस पैसे को हम कहते हैं एक्सचेकर है नेशनल ट्रेजरी है या फिर कभी जब पुराने टाइम में रॉयल ट्रेजरी रहा करती थी कोष जिसे हम कहते हैं तो उस खजाने वाले कोष को मतलब उस पैसे को बेसिकली एक्सचेकर कहते हैं नाउन

एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है इसको याद रखिएगा आप सभी लोग अगला वर्ड है आपके सामने पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक क्या है बच्चों से रिलेटेड बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड ये जो पूरी की पूरी स्टडी होती है साइंस होती है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड उनकी डिजीज से रिलेटेड वो आपकी पीडियाट्रिक साइंस कहलाती है तो वही हमने लिखा है यहाँ पर रिलेटिंग टू दी ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन एन देयर डिजीजेज बाल चिकित्सा हमने हिंदी में लिख दिया ऐसे करके दोस्तों याद रखेगा ओके अब मेरे पीछे मेरे पीछे जो ये आपको वर्ड अगर कट जाएगा ना तो अभी मैं अपने आप को हटा दूंगा तो आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा तो इसमें आप टेंशन मत लेना ठीक है वो ऐसे करके दिख जाएगा देखो अब मैं गायब हो गया आपको साफ दिख रहा होगा तो जरा आप लिखते जाएंगे ठीक है मेरी आवाज़ वगैरह सब सही आती जाए तो भी मुझे बोलना कि जी सर आवाज़ तो सही आ रही है अगला वर्ड आपके लिए हिंटरलैंड हिंटरलैंड दोस्तों आपका नाउन की तरह यूज होता है हिंटरलैंड हम उस जगह को कहते हैं जो कि रिमोट एरिया होता है रिमोट एरिया मतलब बहुत दूर दराज का कोई इलाका है ऑफ अ कंट्री किसी कंट्री का अवे फ्रॉम द कोस्ट और दी बैंक्स ऑफ मेजर रिवर्स यानी जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं उनसे दूर का इलाका इलाका है दूर दराज का इलाका है उसे हम कहते हैं वो है हिंटरलैंड ये आंतरिक इलाके हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके इसको याद रखिएगा ठीक है ना चलिए आवाज वगैरह सब सही आ रही ना इसमें भी परफेक्ट है

अगले वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों अगला वर्ड आपके लिए डी ओ एल ई डोल डोल आपका नाउन की तरह यूज होता है डोल का मतलब क्या है बेनिफिट

ठीक है ये सब लोगों ने लिखी लिया है चलो मैं भी आ जाता हूं आगे बढ़ चलते आगे लिखते हैं याद रखिएगा है याद करने में मैं बार बार एक चीज कहता हूं मैं दोबारा कहूंगा ईडीएम याद करने के लिए अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप लिखिएगा 500 हंड्रेड यूट्यूब पर लिखिएगा ईडीएम एंड फ्रेजेस बाई विशाल सर आप 500 हंड्रेड इम्स एंड फ्रेजेस बाई विशाल सर लिखेंगे तो पांच में कुछ एडियम हैं उसमें कुछ उसमें हैं सब पूरा कवर हो जाएगा तो 500 सुनने में लगता 500 है ये तो बहुत ज्यादा है बट एक्चुअली होगा क्या कि उसमें बहुत सारी एडियम आपको पहले से भी तो याद होंगी बचपन से लेकर आज तक इतनी सारी पढ़ते आ रहे हो बहुत सी तो वैसी आपको याद होंगी और बहुत सी सिंपल होंगी कुछ नहीं होंगी उन्हें याद कर लेना ठीक है चलो जैसे कि ये एडीएम है एलिफेंट इन दी रूम अगर रूम के अंदर हाथी है तो क्या वो आपको दिखेगा नहीं क्या अरे वो तो साफ दिखेगा लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रूम के अंदर हाथी है, लेकिन कोई को, 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 कोई कोई कह ही नहीं रहा सब मस्त आराम से आए कह रहे ला ला लला हमें तो हाथी दिख ही नहीं रहा अपना काम करने में मस्त है हाथी आराम से खड़ा हुआ है एक तरफ तो मतलब एक ऐसी समस्या जो सबको पता है लेकिन सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं वो लोग उसके बारे में बात ही नहीं, नहीं करना चाहते अरे यार हम बात नहीं कर रहे सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते वो वो आपकी ऐसी सिचुएशन ऐसी प्रॉब्लम आपकी कहलाती है कि एलिफेंट इन दी रूम टाइप की सिचुएशन हो गई कि जैसे कि रूम में एलिफेंट है हमने लिखा इट मीन्स दैट देर इज़ एन ऑब्वियस प्रॉब्लम कि कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम या डिफिकल्ट सिचुएशन है दैट पीपल डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते समझ में आ गया दोस्तों दैट इज़ द एलिफेंट इन द रूम ऐसे करके दोस्तों इसे याद रखिएगा अगला वर्ड है मिस गिविंग मिसगिविंग है किसी चीज के बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन हो गई उस चीज के बारे में आपका सोचना गलत हो गया वो आपकी गलत फहमी हो गई दैट इज मिस गिविंग नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है हमने लिखा ए फीलिंग ऑफ डाउट एंड एप्रिहेंशन एप्रिहेंशन होता है चिंता डाउट होता है संदेह अबाउट दी आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग किसी चीज का रिजल्ट क्या होगा आउटकम क्या होगा इस चीज को लेकर गलतफहमी होना एप्रिहेंशन चिंता होना ये आपका कहलाता है मिसギविंग नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है गलतफहमी हमने यहां पर लिख दिया ऐसे करके दोस्तों याद रखिएगा अगला है स्क्वाड मतलब क्या है हमें एक को कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए असाइन किया गया होता है तो हमने लिखा हैं स्क्वाड नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है इसको याद रखेगा ठीक है नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है इसको याद रखेगा अब दोस्तों हमारे 1900 लोग जुड़ते जा रहे हैं दोस्तों लेट मत आया करो टाइम से आया करो सब लोग बिल्कुल टाइम से आया करो टाइम से आने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आप पिछला जो रह गया होता है ना वो कुछ छूटता नहीं है वरना एक बार जो चीज़ रह जाती है तो फिर वो आप दोबारा पढ़ते नहीं होंगे आई नो बता टाइम नहीं होता ना कैसे पढ़ोगे तो आ जाए करो टाइम से पाँच मिनट लेट होने कोई लॉजिक नहीं है प्रॉक्सिमिटी है वर्ड के लास्ट में ईटी करके दिया होता है नाउन की तरह यूज होगा प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस को बताता है कोई किसी चीज़ से कितना ज़्यादा क्लोज है उसकी क्लोजनेस उसकी निकटता को बताता है प्रॉक्सिमिटी हमने लिखा नियरनेस इन स्पेस इन टाइम या फिर रिलेशनशिप या फिर क्लोजनेस निकटता हमने हिंदी में लिख दिया ऐसे करके याद रखेगा ठीक है अगला वर्ड है आपके लिए फ्रॉट फ्रॉट आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है फ्रॉट का मतलब है किसी भी चीज की वजह से आपको चिंता हो रही है बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा तो वो जो होना है ना किसी की वजह से कुछ होना ये क्वालिटी हो गई एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो हम लिखते हैं कॉजिंग या फिर अफेक्टेड बाई एंजाइटी और स्ट्रेस आप अफेक्ट करते हैं एन्जाइटी से या फिर स्ट्रेस से उस टाइम कहते हैं, हैं फ्रॉड एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है इसको याद रखिएगा आप सभी लोग ठीक है ना आगे बढ़ चलते हैं अगला वर्ड है कॉमेंस कॉमेंट्स आपका वर्ब की तरह यूज होता है कॉमेंस का मतलब है शुरू करना बिगिन करना प्रारंभ करना हमने बिगिन यहां पर लिख दिया वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है इसको याद रखिएगा दैट इज कॉमेंस अगला वर्ड है एम्बीविलेंस एम्बीविलेंस का मतलब है आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आ रहा है कोई एक थॉट आ रहा है आपने कहा हाँ ठीक है ऐसा करेंगे फिर आपके दिमाग में नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा करेंगे

जैसे कि यहां पर भी है लेकिन ये नाउन की तरह नहीं है वर्ब की तरह है। तो बट मैक्सिमम टाइम आपका एनसी होता है तो नाउन की तरह यूज होता है ऐसे ऐसे करके थोड़ थोड़ करके थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा जो चीज अलग है उसे अलग में ध्यान रख लिया ठीक है तो हमने लिखा दी स्टेट ऑफ हैविंग मिक्सड फीलिंग स्टेट का मतलब हो गया यहां पर स्थिति कैसी स्थिति होना मिक्सड फीलिंग की स्थिति होना कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन किसी चीज को लेकर मैं हट जा रहा हूं देखो हाँ किसी चीज को लेकर आपके कॉन्ट्रोडिक्टी आइडियाज हो जाना और पर्सन को लेकर या किसी चीज को लेकर वो दुविधा में पड़ना आपका एम्बी कहलाता है अगला और आखिरी वर्ड है आपके लिए दैट इज विंटेज ये नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है द टाइम दट समथिंग ऑफ क्वालिटी वॉज प्रोड्यूस्ड मतलब एक ऐसा समय जहां पर क्वालिटी वाली किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं वो है विंटेज स्क्रीन ले लो दोस्तों ये आपकी सेकेंड स्लाइड और सभी के सभी लोग अच्छा लग रहा है आई नीड योर लाइक बटन फटाफट से थम्स थम्सअपे प्रेस कर दो जल्दी से फिर हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लें इसका फिर हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा कल भी मैंने पीडीएफ डाल दी थी जो कि हम लोगों ने पेपर पढ़ा था पेपर वन और आज भी हम पेपर टू जब पढ़ेंगे तो उसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे आप लोग दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है चलिए अपना हो गया यहाँ पर ये रहा फर्स्ट ये रहा सेकंड और ये आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर टू नाइन ए एम पर जिस तरीके से कल हम लोगों ने चार हजार बच्चों ने एक साथ पढ़ा था चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे है ना और अब हम आगे बढ़कर न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं क्या कह रहा है हमारा न्यूज़ ये रहा पहला आर्टिकल ओके स्मॉल डोजेज कैसे करके देखो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है हम इसकी बात करते हैं आप में से सभी लोग जो बिल्कुल एकदम नए हैं ना जिनको नहीं पता कैसे करके पढ़ा जाता है इट्स वेरी इजी टू रीड एक एक वर्ड वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसके मतलब हमें समझ में आएंगे ठीक है चलो स्मॉल डोजेज हैं डोज का मतलब क्या हो जाता है किसी को आप कोई एक छोटे 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 हिस्सों में कुछ प्रोवाइड करें वो डोजेज क्या ना किसी न किसी पर्पज़ के लिए तो ये हेल्प कैसे मिल रही है स्मॉल डोजेज ये रिलीफ पैकेज को लेकर हेल्प मिल रही है आपको मालूम है ट्वेंटी बीस uh, लाख करोड़ का पैकेज ट्वेंटी लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर जब बोला गया था इतने लाख करोड़ का पैकेज है जो कि हेल्प कर रहा है वो पैकेज में सब कुछ इंक्लूड था एवरीथिंग चाहे गवर्नमेंट कोई चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हो वो चाहे प्रोवाइड करेगी वो बट वो पैकेज प्रोवाइड होने के बाद भी एक आम आदमी को कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिला ना ही आम आदमी को ये लगा कि हमें कुछ पैसा मिला है या फिर हमें किसी तरीके से हेल्प मिली है ऐसा क्यों हो गया क्या सरकार ने पैसा नहीं खर्च किया कि सरकार ने वैसे ही बोला ऐसा नहीं होता है सेम है जैसे अभी रिलीफ पैकेज है सरकार यहाँ भी पैसा खर्च कर रही है बट क्या आम आदमी को ये सारी की सारी चीज़ें मिल पाएंगी ऐसा फिर भी नहीं है तो आम आदमी को कैसे मिलेगा कैसे रिलीफ पैकेज ये काम करेगा तो स्मॉल डोजेज हो गई उन सब के बारे में ये डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है अब जरा सुनो फॉर एग्जाम्पल में तो सभी लोगों के घर में आप लोगों के सभी लोगों के घर में व्हीकल है आप लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलाते हैं तो आप लोगों के पास वो पेट्रोल जब सस्ता होगा तो आपको लगेगा हाँ ये चीज सस्ती हो गई आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिखेगा वहां पर अगर वो सस्ता होता है पेट्रोल डीजल तो आपके जो खाने पीने के जो सामान आप लोग खरीद के लेकर आते हैं बाकी घर का कोई सामान खरीद के लेकर आते हैं उनका भाड़ा भी सस्ता होगा वो भाड़ा जब सस्ता होगा तो वो सामान होगा वो भी सस्ता होगा तो इससे इम्पैक्ट क्या हो गया आपके रोजमर्रा की जो चीजें ना उन सब पे इम्पैक्ट आता है एक आदमी को वहां पर बेनिफिट मिलता है जब वो चीजें थोड़ी सस्ती होती है तब आप एनकरेज होंगे कि चलो हम कुछ खरीद लेते हैं जब आपके अंदर ऐसी डिमांड आएगी खरीदने की तभी तो डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो बिजनेस बढ़ेगा डिमांड ही नहीं बढ़ी तो किसी को कुछ भी पैसा देना रिलीफ देने से कोई बेनिफिट होगा कोई बेनिफिट नहीं होगा यही बात यहां पर दी हुई है मेन चीज है डिमांड बढ़ना आज आपके पास पैसे नहीं है मैंने अगर आपको पैसे दे दे कि ये लो पैसे आपने वो पैसे रख लिया अपना काम धंधा कुछ किया लेकिन आपने डिमांड नहीं बढ़ी आप खर्च नहीं कर रहे हो उस पैसे को क्यों खर्च करोगे जब आपके पास खर्च करने के लिए जो चीजें हैं वो आपकी लिमिट में होंगी आपको लगता है हाँ ये चीजें सस्ती है मैं खरीद सकता हूं पहले जैसी है मैं खरीद सकता हूं तभी आप चीजें वहां पर पैसे खर्च करोगे वरना पैसे नहीं खर्च करोगे आप उसे अपने पैसे को संभाल के रखोगे जब हर एक व्यक्ति पैसा संभाल के रखेगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगी सब एक दूसरे पेंटर इंटरलिंक्ड है हर कोई एक दूसरे पेंटर इंटरलिंक्ड है आप पैसा खर्च करोगे तो उसके पास पैसा है वो भी अपना पैसा खर्च करोगे सब तभी ये चीज चल पाएंगे तो जरूरी है डिमांड क्रिएट करना अब जरा देखो डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या यहां पर बात हो रखी है बहुत ध्यान से देखो दोस्तों एक एक करके हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं सब आपको समझ में आता जाएगा एक एक करके ठीक है ओके चलो द फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉर द सेकेंड कोविड 19 वेव फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अब इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन से कम बात बोली जा रही है देखो आफ्टर असर्टिंग ये कहते हुए दैट पीपल शुड वेट फॉर द यूनियन बजट अनाउंसमेंट के पीपल को लोगों को वेट करना चाहिए यूनियन बजट के अनाउंसमेंट को लेकर टू ट्रिकल डाउन बिफोर सीकिंग अ फ्रेश स्टिमुलस टू कोप विद द सेकंड वेव ऑफ द पैंडेमिक अब जिससे कि ट्रिकल डाउन हो पाए ट्रिकल डाउन हम समझ पाए थे क्या हो पाए जिससे कि जो गरीब है उनको थोड़ा बहुत वह तो वहां बेनिफिट मिल जाए तो हमें वेट करना चाहिए जब ये बोला गया था और इससे पहले कि सेकेंड वेव आ जाए फ्रिस्ट सेकेंड वेव आ जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया द गवर्नमेंट फाइनली अनवील्ड रिलीफ पैकेज तो गवर्नमेंट ने फाइनली रिलीफ पैकेज अनवील कर दिया ऑफ शॉर्ट दिस मंडे मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जैसे कि क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द मेजर्स जो मेजर्स लिए गए इसके जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होंगे क्या इसके परिणाम निकलेंगे जैसे कि सच एज द प्रोमिस ऑफ इजी स्मॉल टिकट लोन्स की आसानी से छोटे साइज का लोन मिलेगा फॉर 25 लाख माइक्रो ऑन्टरप्रेनर्स के लिए ट्वेंटी 25 लाख माइक्रो ऑन्टरप्रनर्स उनके लिए लोन मिलेगा एंड 11,000 थाउजेंड टूरिस्ट एजेंट्स जो होंगे उनको लोन मिलेगा एंड फ्री टूरिस्ट वीजाज किए जाएंगे हैव बीन प्रोजेक्टेड इन सबका प्रोजेक्शन रखा गया है एट अबाउट 6.29 लाख करोड़ रुपीज का दी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि आपको मालूम है टूरिज्म जो इंडस्ट्री है पिछले दो साल से पूरी तरह से खराब है सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का हुआ जिन लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती थी वो लोग बेचारे कैसे करके अपना खर्च चला रहे होंगे वो वही जानते होंगे तो जरूरी है इस इंडस्ट्री को फिर से बूम करना तो इन्होंने उनको लोन दिया जिससे कि वो अपने काम धंधे को फिर से आगे बढ़ा पाए यह एक अच्छा स्टेप है पॉजिटिव है इसको मिलता है थम्स आप आगे बढ़ते हैं नियरली टू पॉइंट सिक्स एट लाख करोड़ रुपीज इतना जो पैसा है ऑफ दिस इस, इसमें से इज इन दम ऑफ क्रेडिट गारंटी क्रेडिट की फॉर्म में मिलेगा ए फर्दर वन पॉइंट फाइव लाख करोड़ ऑफ गारंटी हैज प्रोस्ड टू एड टू द्री लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम ये उन स्कीम में एड होगा बट दी स्कीम्स टेन ओवर हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड बी एंड सेप्टेम्बर थर्टी लेकिन जो स्कीम टेन ओवर है वो तीस तारीख तक की है सितंबर तक उसके आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है तब तक के ये सब कुछ मिल जाएगा ये तो हम लोगों ने देख लिया लोन तो मिल गया लोन अच्छी बात है लोन मिल जाना जिससे कि लोग अपने बिज़नेस को चला पाएं। एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास एक दुकान है परचूनी की दुकान है जहाँ पर आप खाने पीने का सामान रखते हैं आपके पास पैसे नहीं है तो आप सामान नहीं रख पा रहे हैं फिर आपको लोन मिल जाता है कहीं से सरकार ने लोन दिया आपने सामान लेकर रख लिया लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद रहे तब आप क्या करेंगे पॉइंट समझ में आ रहा है आपने लोन लेकर इसलिए रखा ताकि आपने लोन लेकर सामान रखा है वो सामान बिकेगा उसके बाद आप लोन भी चुका दोगे और अपना भी आपका बिजनेस पटरी पर आ जाएगी लेकिन उसके बाद भी अगर सामान नहीं बिका फिर कैसी सिचुएशन हो सकती है वो बिल्कुल हो सकती है अगर लोगों के पास में पैसा नहीं होगा उनका काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा होगा तो उनकी डिमांड कैसे बढ़ेगी यहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे क्या लोग सच में टूरिज्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा लगा कर या इतना सच में आकर अपनी वेकेशन वगैरह मनाएंगे सिचुएशन एक ये वाली है हालांकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसको चेंज नहीं किया जा सकता बट इससे सिर्फ डील किया जा सकता है तो ऐसा नहीं कि जो रिलीफ पैकेज दिया गया तो वो खराब है नहीं वो एक हेल्पफुल है एक स्मॉल डोज है डोज की तरह काम कर रहा है पॉइंट समझ में आ रहा है देखो एक बार जरा मेरे को बता दो पॉइंट समझ में आ रखा है पॉइंट समझ में आ रखा है सबको कि सर पॉइंट तो समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें लोगों का भी तो खर्चा होगा जो लोग घूमेंगे उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए सिमिलर बैकिंग ऐसा ही सपोर्ट हैज़ बिन अनाउंस अनाउंस किया गया था फॉर लोन्स वर्थ सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का जो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स हैं बट ओनली टूरिज्म हैज़ बिन पब्लिकली आइडेंटिफाइड अब तो, जो जो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स सिर्फ टूरिज्म ही तो है नहीं बहुत सारे सेक्टर लेकिन पब्लिकली टूरिज्म को आइडेंटिफाई किया कि सबसे ज्यादा यही इफेक्ट हुआ है हालांकि जो होटल इंडस्ट्री थी या बाकी सारी इंडस्ट्री थी वो थोड़ी थोड़े 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 चलने लग लेकिन टूरिज्म इतनी नहीं चली एनहानसिंग लोन गारंटीज लोन गारंटीज को बढ़ाते हुए विल परहैप्स गिव रिस्क अवर्स लैंडर्स मोर कॉन्फिडेंस जिससे कि जिन लोगों लैंडर्स को रिस्क था उनको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है इन एक्सटेंडिंग लोन्स वेन द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जब क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो हैज़ एट अ मल्टीयर लो जब वो बहुत ज़्यादा कम हो तो यार अभी लोन बांटेंगे तभी जाके कुछ होगा आपको मालूम है लोन सरकार दस दस हजार वाले लोन भी कई मतलब कई सारी स्कीम्स में बांट रही है बात है, इससे सरकार की कोशिश की इस तरीके के लोन देकर लोगों का कुछ बहुत कामधंधा चलने लग जाए जब उनका कामधंधंधा चलेगा तभी इकोनॉमी मूव होगी वो पैसा खर्च करेंगे तब दूसरा पैसा भी खर्च करेगा तब सबका मतलब बेनिफिट इससे होता है ये सिंपल सा पॉइंट है ओके बट देर इज लिटिल टू मेक सच लोन्स वाइबल बाय स्टारिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन ये जो एफर्ट है ये थोड़ा बहुत ही हेल्प कर पा रहा है क्योंकि डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज की है वो इतनी नहीं है फ्री वीजाज आर अ गुड आइडिया फ्री में वीजा दे रहे हो ये अच्छा आइडिया है बट आर अनलाइकली टू गेन ट्रैक्शन लेकिन इससे शायद ही ट्रैक्शन गेन हो पाएगा टिल इंडिया हैज अ फर्मर ग्रिप जब तक कि इंडिया फर्मर ग्रिप में है ऑन देंडमिक बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉर दोज अंडर एटीन जब तक कि उनको भी वैक्सीन नहीं लग जाए जो अट्ठारह से कम है क्या आपको लगता है कोई इंडिया घूमने आएगा उन्हें मालूम है यार कोविड की सेकेंड लहर जो इंडिया में आई उसने पूरा तहस नस कर दिया क्या आपको लगता है ऐसे लोग घूमने आएंगे बाहर से आएंगे तो आखिर कितने होंगे क्या इसलिए आ जाएंगे कि वीजा फ्री में मिल रहा है चल चलते हैं बाकी पैसा तो अपनी जेब से खर्च करेंगे आखिर किस चीज के लिए पॉइंट समझ में आ रखा आज नहीं आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल हेल्प कर सकती है बट हां पॉइंट है ऐसा नहीं कि जो स्टेप उठाया है वो खराब है स्टेप अच्छा है उस स्टेप अच्छे में भी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उस कमियों को पूरा करने की जरूरत है और पॉइंट समझ में आ गया तो मुझे बता दें यस सर वी आर गेटिंग ऐसा पॉइंट है लोन्स ऑफ वन लाख रुपीज टू टेन लाख रुपीज फॉर ट्रैवल एजेंट्स ट्रैवल एजेंट्स को लेकर एक से दस लाख ,00 तक का लोन दिया जा सकता है मे हेल्प वो मदद करेगा मीट सम लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस, इनको पूरा करने के लिए हेल्प करेगा वो लोन बट वंट मेक पीपल टेक हॉलीडेज लेकिन इससे ये हेल्प नहीं मिलेगी कि जो लोग हैं वो अपनी हॉलीडेज बनाए यहां पर आकर उनको हेल्प मिलेगी वो अपने एक्सपेंसेज मैनेज कर पाएंगे लेकिन जब ग्राहक नहीं है तो किसको वो सर्विसेज देंगे पॉइंट समझ में आ रहा है

आगे बढ़ चलते हैं आप लोग ज़रूरत है हमें डिमांड बढ़ाने की अब आगे क्या कह रहे हैं एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ एडिशनल पंद्रह हज़ार करोड़ और स्पेंडिंग है टू रैम्प विज्ञाटिक हेल्थ केयर बच्चों की हेल्थ केयर को ध्यान रखते हुए विद गारंटीज फॉर फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ लो इंटरेस्ट लोन्स दिया जाएगा फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए इन दिंटरलैंड जो एरिया शहर से दूर है वो गांव का एरिया या जितने भी हमारे जो दूर दराज के एरिया उन सभी के लिए ये पंद्रह हज़ार करोड़ का एडिशनल ये समाप्त रखा जाएगा आर क्रिटिकल टू कोप विथ फ्यूचर पैंडेमिक वेव्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के पैंडेमिक वेव से निपटने के लिए तो इसके ये स्टेप ये स्टेप भी अच्छा स्टेप है इट सेंस तो ये सेंस देता है ऑब्वियसली बताइए कि डायरेक्ट रिसोर्सेज टूवर्ड्स हेल्थ एंड फास्टर वैक्सीनेशन की ये हेल्थ को लेकर दिमाग लगाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए इसको लेकर पैसा खर्च किया जा रहा है चलो ये बहुत अच्छी बात है बट दी इंक्लूजन ऑफ मेजर्स ऑलरेडी अनाउंस लेकिन कुछ मेजर जो ऑलरेडी अनाउंस किए गए थे जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज दी जाएगी फूड ग्रेन दिए जाएंगे गरीबों के लिए फॉर दी पुअर अलॉन्ग स्पेंड्स पैसा खर्च होगा प्लांट ओवर द नेक्स्ट टू और फाइव ईयर्स की आगे दो सालों पांच सालों में कितना पैसा खर्च होगा इसका जो प्लान होना चाहिए एंड इवन सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज का जो बेल आउट प्लान था फॉर एलिंग फार्म एलिंग फर्म्स का मतलब एलिंग फार्मिंग सॉरी एलिंग फार्म मार्केटिंग फर्म एलिंग फार्म मार्केटिंग फर्म का मतलब क्या है तो वो सारी की सारी फर्म जो कि लॉस में जा रही थी उनका जो पैसा उन्होंने कभी लोन लिया था वो सब एलिंग हो गया अब उनका चल नहीं रहा तो उसको लेकर भी बेल आउट प्लान होना चाहिए ऐसा नहीं कि उनको बंद कर दोगे आप ये रूल होता है ना कि अगर आप लोन नहीं दे पा रहे एक लिमिट के बाद तो फिर आपको आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा बंद करके तो कुछ नहीं होगा ना वो कोई ऐसा जानबूझ के कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है सिचुएशन तो सरकार को इसको लेकर भी सोचना होगा अभी ये पॉइंट है सोचेगी सरकार क्योंकि बिना उसे कुछ होगा नहीं गिफ्ट दी पैकेज जिस एक्स्ट्रा पेडिंग ये पैकेज उनको थोड़ा बस एक्स्ट्रा पेडिंग देगा मतलब थोड़ी सी एक हेल्प करेगा और हेल्प करने में मदद करेगा लेकिन इसकी जरूरत है यहां पर पॉइंट समझ में आ गया ठीक है इन्वेस्टिंग टाइम समय को इन्वेस्ट करना रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना टू फिगर आउट सम फॉर्म ऑफ इनकम सपोर्ट की कुछ प्रकार की इनकम सपोर्ट मिल जाए फॉर दी वेरेबल सेक्शंस के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल ये ज्यादा हेल्पफुल होगा वीक डिमांड इज अ बिगर कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जी डिमांड कम हो जाती है वीक डिमांड इज अ बिगर कंसर्न फॉर इंडस्ट्री दिस ईयर एज हाई इन्फ्लेशन क्योंकि महंगाई ज्यादा है इस वजह से ए प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर फ्यूचर मेडिकल बिल्स और ये कोशिश होती है कि जो टेंडेंसी होती है प्रोपेंसिटी यानी टेंडेंसी होती है कि पैसे को बचाया जाए फ्यूचर में मेडिकल बिल्स के लिए क्योंकि यार आपको मालूम है हेल्थ को लेकर किसी को कुछ भी होता तो पैसा तो आदमी खुद ही खर्च करता है ना वो थोड़ी ना भरोसे रहता है कि सरकार पैसा खर्च करेगी या कोई और पैसा देगा इसके लिए तो आदमी खुद का अपने पास जो बचा हुआ पैसा होता है उसको संभाल के रखता है कल को फ्यूचर में उसी को वही पैसा काम आएगा एक ये पॉइंट है एंड एन अनसर्टेन जॉब मार्केट हैव लेड टू बेल्ट टाइटनिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स और अनसर्टेन जो जॉब मार्केट हो रखा है इसने उसको और ज्यादा बेल्ट टाइटन कर रखी है यानी बहुत कम तरीके से पैसा खर्च करेगा आदमी इफ़ द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट लेकिन अगर गवर्नमेंट हेजिटेंट है अबाउट क्रिएटिंग न्यू डोल्स कि कुछ नया कुछ ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड करे फॉर द फियर ऑफ दैम जो भी डर है लोगों को उसको लेकर बिकमिंग पर्मानेंट फीचर्स अगर ऐसा करके गवर्नमेंट पीछे होती अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ में पीछे हो जाती है तो इट कु इट कुड हैव एटलीस्ट ऑर्डर सब इमीजिएट रिलीफ तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट कुछ इमीजिएट रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर ऑल सभी लोगों के लिए बाई अड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम वो है आपका हाई फ्यूल प्राइजेस जो सबको पता है सरकार को पता है लेकिन वो कम नहीं कर रहे अगर सरकार इसको कम कर देगी हाई फ्यूल प्राइजेस को तो बहुत सी चीजें वैसे ही कम हो जाएंगी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे डीजल के डीजल के दाम पेट्रोल के बराबर हो रखे तो सामान जो आता है वो डीजल में ही डीजल की ही गाड़ियों में आता है कहीं और से नहीं होता तो सारा सामान इसीलिए बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है आप ही की जेब से पैसा जा रहा है वो जब कम होगा तो उन सारी चीज़ों सब कम होगा कम नहीं हुआ तो ये बढ़ता जाएगा फिर कुछ नहीं हो सकता और एक बार जब महंगाई बढ़ जाती है तो कम होना बहुत मुश्किल कभी आपने सुना ही नहीं होगी कम हो गया दिस वुड डैम्पन इन्फ्लेशन अगर ऐसा हुआ हाई फ्यूल को कम किया जाए तो बेनिफिट होगा कि इन्फ्लेशन इससे कम हो पाएगा एमपावर आरबीआई आरबीआई को एम्पावरमेंट मिलेगा टू लैंड ग्रेटर सपोर्ट कि वो ज्यादा सपोर्ट दे पाएंगे टू ग्रोथ को एंड लीव अ लिटिल मोर मनी इन पीपल्स हैंड्स टू स्पेंड लोगों के पास फिर थोड़ा और ज्यादा पैसा होगा स्पेंड करने के लिए अभी लोगों के पास जो पैसा है वो इतनी महंगी महंगी चीज़ों के चक्कर में लोग लिमिटेड ही पैसा खर्च कर रहे हैं लिमिटेड पैसा खर्च करने से इकनॉमी नहीं चलेगी इकनॉमी लिमिटेड तरीके से चलेगी कोई लेना देना नहीं होगा उससे वाइल द एफर्ट टू मेंटेन फिजिकल स्ट्रेन अभी जो कोशिश की जा रही है इस फिजिकल स्ट्रेन में जो स्ट्रेन फिजिकल स्ट्रेन जो रुक हुआ है मतलब एक तरीके का रुकावट जो है इसको जो एफर्ट है इसको मेंटेन करने लिए, agencies, के लिए मैं इम्प्रेस ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हो सकता है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के लिए हेल्प करे दे वुड बी अमंग दर्स्ट लेकिन वो उसमें से फर्स्ट होंगी टू एक्नोलेज दैट देर इज अ टिपिंग पॉइंट की एक टिपिंग पॉइंट एक मेन पॉइंट होगा वेअर पॉलिसी इन एक्शन रिस्क हर्टिंग दी इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जहां पर जो पॉलिसी का इन एक्शन है पॉलिसी का ना लेना कि पॉलिसी ना बना पाना टाइम से ये हर्ट रिस्क में डाल सकता है जिससे इकोनॉमी जो हमारी है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में हर्ट कर सकती है ये कहने का मतलब इनका यहां पर है दिस इज अबाउट दी आर्टिकल दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये आर्टिकल समझ में आया होगा जो कि ये वाली बात कह रहा है दैट इज दी स्मॉल डोजेज तो अब जरा मेरे को आप लोग सब लोग बताएं कि जी सर वी आर गेटिंग दी आर्टिकल एंड वी गॉट इट हमें ये समझ में आ गया है आर्टिकल आप लोगों के लिए था सब लोग एक बार मुझे बता दो यस सर वी गॉट इट है ना ये था आर्टिकल वेरी गुड अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ भी सबको समझ में आ गया एक बार थम्स अप देकर मेरे को बताएं यस सर हमें समझ में आ चुका है बढ़िया तरीके से है ना एक बार अप देकर मेरे को बता दें यस सर हमें समझ में आ चुका है और ऐसी सारी की सारी चीज़ों में ज़रूरत हमने देखा कि कहाँ है क्या चीज़ हम कम कर सकते हैं जिससे कि हमें हेल्प मिल सकती है वो हमें मालूम पड़ा डीजल वगैरह ऐसे दामों कम कर रहे जिससे कि डिमांड बढ़े क्योंकि एक तरफ तो हम आ, लोन तो दे रहे हैं बट लोन देने के बाद भी बेनिफिट इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि डिमांड अगर नहीं बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ाने के लिए हमें स्टेप और मेजर्स उठाने पड़ेंगे ये करके यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है समझ में आ गया दोस्तों ठीक है ओके चलो अब हम इसे पढ़ते हैं अगला आर्टिकल है डेजर्ट होम इसको मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ जो कि आप ही के लिए और इसको आप पढ़िएगा पूरा का पूरा तीनों के तीनों आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा ताकि बाकी बाकी वाला आप पढ़ेंगे ठीक है चलो डन ना चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों आप लोगों ने थम्सअप दे दिया मुझे अभी देखो मैं आपकी क्लास घर से ले रहा हूँ बारह सौ लोगों ने थम्स अप दे दिया बाईस सौ लोग देख रहे हैं और बाकी सब लोगों ने थम्सअप को अपने जेम में रख लिया है थम्सअप आजकल पता बिकते हैं मालूम है हमारे यहाँ दुकान है एक परचूनी की दुकान है वहाँ पर जाकर थम्सअप बेच आओ विशालधर की क्लास देखो और जो थम्सअप विशालधर की क्लास में देना था अगर नहीं दो वो थम्सअप वहाँ दुकान में बेच जाओ तो उसके पैसे मिलते हैं सच है क्या ये बात तो अभी थम्सअप देते क्यों नहीं हो यार कहाँ बचा के रखते किसको देकर आते हो थम्सअप मुझे लगता है उसी दुकान में जाके बेच रहे हो क्या थम्सअप कितने लो की क्लास के थम्सअप हैं कितने थम्सअप है तुम्हारे पास सर हम लोग मिला के यहाँ पर हजार लोग लाओ सौदा कर लो ये चल रहा है कि चक्कर क्या चलता समझ ही नहीं आता यार थम्सअप ही नहीं देते यार मतलब मैं तो बढ़िया पढ़ा पढ़ाता हूँ इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ सब लोग कहते हैं बढ़िया पढ़ाता हूँ और जो कहते हैं बढ़िया पढ़ाता हूँ वही मुझे लगता है थम्सअप ही नहीं देते थम्सअप चुरा के ले जा रहे हो किसको थम्सअप बाबू को थ... बेटा बाबू को थम्सअप नहीं देते हैं बाबू को तो कुछ और ही देते होंगे बेटा अभी से बाबू बना लिए तुमने पहले खुद बाबू बन जाओ बैंकर बाबू फिर बनाते रहना बाबू वरना एक बाबू के चक्कर में जो मेन बाबू है वो छूट जाएगा हाँ हाँ मेन बाबू की उम्र बस यही है जो टाइम बचा हुआ है जॉब निकल गई तो गया बनो बैंकर बाबू दूसरे के बाबू मत बनो आओ पढ़ो डेजर्ट होम हमारा घर खुद क्या है? डेजर्ट हो गया क्यों डेजर्ट हो गया, डेजर्ट हो गया है रेगिस्तान टाइप का क्यों बन गया है छूट गया हमारा घर क्योंकि यहाँ पर कोविड के केसेस इतने ज्यादा हैं कि अब जो क्रिकेट है नहीं हो पा रहा है क्रिकेट अब फिर से कहाँ होगा यूएई में ओके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स India seems to have warmed up to the UAE as a cricketing venue यह भी cricketing venue अप्रतीत होता है ये बन जाएगा after अर्ली earlier, earlier misgivings पहले थोड़ी गलत फहमियां थी लेकिन अब वही बन ही जाएगा समझ लो कहने का मतलब ये अब हमने कहा दी आई 2020 सी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का जो शिफ्ट है फ्रॉम इंडिया टू यू ए वॉज इनएविटेबल मतलब ये तो होना ही था क्यों होना था फॉलोइंग करंट वेव्स क्योंकि हाल ही में जो वेव्स आई ऑफ कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शंस की एंड दी लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज जो लॉजिस्टिकल परेशानियां थी ऑफ होस्टिंग एन इवेंट एक इवेंट को होस्ट करने में फीचरिंग मल्टीपल स्क्वैड्स कई सारे उसमें स्क्वैड्स को लगाना पड़ता था ग्रुप ऑफ पीपल को लगाना पड़ता था इस वजह से ओके okay. ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स पिछले कुछ वीक्स में द न्यूज फर्स्ट स्टार्टेड जो शुरू में न्यूज आई वो ये थी एज अ सोर्स बेस्ड विशपर मतलब ऐसे नहीं थी कहीं ना कहीं सोर्स वेस्ड विस्परिंग थी बिफोर दी बोर्ड बीसीसीआई के टॉप ब्रास के सामने के सामने वो जो है प्रेसिडेंट हैं और सौरभ गांगुली सेक्रेटरी जय शाह हैं स्पोक इंडिविजुअली तो वहाँ से न्यूज आई वो ये था क्लियरली स्टेटिंग ये कहते हुए थी कि इंडिया वुड होस्ट द चैंपियनशिप इन द यू ए ए, इंडिया चैम्पियनशिप को होस्ट करेगी कहाँ पर यू ए ए में फाइनली दी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इशूड अ स्टेटमेंट इन्होंने स्टेटमेंट इश्यू किया ये डिक्लेयर करते हुए द टूर्नामेंट विल बी हेल्ट ये होगा फ्रॉम अक्टूबर सेवनटीन से नोवर फोरटीन के बीच कहा विद ओमन स्टेपिंग इन एज अ को हो जो कोह की तरह काम करेगा फॉर द क्वालिफायर्स

एट दुबई अबूधाबी एंड शारजा ये तीन ग्राउंड uh, यहां पर होंगे मैच बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी दी यू कट्स आउट दी नीड फॉर एयर ट्रैवल यू ने कहा एयर ट्रैवल की जरूरत नहीं है टीम्स कैन अडियर टू बायो बबल्स टीम्स बायो बबल्स को ही अडियर करेंगी इन दियर रेस्पेक्टिव होटल्स में एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट जो है मतलब यही मेन रिक्वायरमेंट है दीज फ्रॉड टाइम्स ऑफ अ कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग वायरस क्योंकि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है बायो बबल में क्या होता है कि चार लोग हैं वो चार ही लोग साथ रह रहे हैं सारे काम वो चार ही लोग कर रहे हैं पांचवा कभी आ ही नहीं रहा बाहर का कोई कॉन्टैक्ट है हाँ ही नहीं आपके फिर चांसेस नहीं है आप कैसे आप फिर वायरस नहीं होगा चारों के चारों अगर किसी को कोविड नहीं तो चारी है तो वो चार ही है तो चार ही हैं तो बायोबल क्रिएट हो गया वो चार पाँचवें से पांचवा कोई मिल ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से तो आपका बायो बबल क्रिएट हो जाता है तो इसी को लेकर रखा गया था लेकिन पहले भी बायोबल क्रिएट किया गया था लेकिन बायोबल वो टूट गया क्योंकि वायरस उसमें आ आगे कैसे आप पता नहीं इंडिया होस्टेड इंग्लैंड अर्लियर दिस ईयर एंड द आईपीएल टू कॉमेंस ये भी शुरू हुआ था दिस समर में बट के सर्ज की वजह से मेंट द लीग हैड टू बी सस्पेंडेड इसे सस्पेंड करना पड़ा वाइल एकेंड विंड शॉट टू बी शॉट इन द डेजर्ट सेंट प्रायर टू द ट्वेंटी वर्ल्ड कप बाकी आप पढ़ते जाना ये आपके बारे में बस एक न्यूज टाइप का है तो अपने लिए ऐसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट रीडिंग 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 करके आप इसे पढ़ सकते हो चलो भैया बायो बबल तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात है आपको बिल्कुल समझ में आएगा लेकिन एक स्टोरी टाइप के तो ऐसे पढ़ाने वाले में आपको सम, कोई मजा नहीं आएगा देखो जैसे लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ चाइना इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसमें कौन रहते अंडर माओ जेडोंग चाइना के जान किलाई डेंग जियाओ पिंग फू किलाई जी जिंग पिंग ओके उसके बाद चाइना इज वेल ऑन कोर्ट्स टू क्विंग किलाई तो चिंग 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 पढ़ लेना इसको साहब ठीक है ये वाला हम लोग कल पढ़ चुके थे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है अटेम्प्ट टू चैलेंज दी फिल्म फ्रेटर्निटी याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी फिल्म है उनको लेकर ड्राफ्ट बनाया गया कल वाला आर्टिकल है पूरा का पूरा तो ये आपको पढ़ना है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दोनों के दोनों को पढ़ने के लिए रीडिंग कर लेना अपने यहाँ पर ठीक है चलो म करते हैं और आज के सेशन को और हम आप कब कैसे क्या, क्या मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूं आप आते हैं बैंक वे पर और हम पढ़ेंगे नौ बजे ये रहा पेपर आपके सामने तो नौ बजे हम लोग दोस्तों इस पेपर को करने वाले हैं ठीक है तो इंग्लिश पेपर टू स्कोर 25 प्लस ये टारगेट करें कल हम लोगों ने पूरा पेपर वन कर लिया था और उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी सेम एज मैं टेलीग्राम पर आज भी अपलोड कर दूंगा ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अब हम इसको भी करेंगे इसी तरीके से समझ गए दोस्तों तो बढ़िया तरीके से हम इसे सीख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बढ़िया तरीके से हमने यहां पर आगे बढ़ते जाएंगे बाकी दोस्तों हम लोगों का टारगेट तो दोस्तों एक यही है कि रेगुलरली जो दस दिन बचे हुए उसमें बचे हुए नौ दिन नौ दिन लगातार लगे रहेंगे लगातार तरीके से पढ़ेंगे और उसके लिए प्लानिंग में दोस्तों हम लोगों ने यह प्लानिंग की हुई थी वैसे मैं आपको बता दूं जो आज वाले लोग हैं प्लानिंग यह की हुई है कि जो आगे दस दिन है तो दस पेपर जो दस पेपर हैं दोस्तों उन दस पेपर्स को हम कर रहे होंगे यूट्यूब पर वो दस पेपर हम लोगों ने यूट्यूब करे बाकी के जो दस दिन हैं वो अन अकेडमी प्लस पर क्लास हो रही है अरुण सा विशाल था पुनिसर तीनों की यूट्यूब पर तीनों की प्लस पर तो प्लस पर क्या होगा इंग्लिश में मैंने ये प्लान किया हुआ आपका ऐसी मैथ्स में अरुण सर ने अलग प्लान किया पुनी सर ने अलग प्लान किया तो टीचर के अकॉर्डिंग आप चलिएगा आपको बढ़िया तरीके समझ में आएगा मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ दस पेपर हम लोगों ने यहाँ करने हैं और प्लस पर हम मिलेंगे तो इसमें हमने करने वो कॉन्सेप्ट जिन कॉन्सेप्ट में आप वीक हो जिन कॉन्सेप्ट में आप वीक हो बस और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कोई टाइम वेस्टिंग नहीं कोई कुछ नहीं और वहां भी क्वेश्चन वहां भी क्वेश्चन ऐसा नहीं यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स उन पर जिस पर वीक है उन कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि मजबूती से हो जाए बस तो जो आप कहोगे हम उन कॉन्सेप्ट्स को कर रहे होंगे पेपर हमारे पास दस ये हो गए होंगे दैट इज मोर देन सफिशियंट इसके अलावा अपने आप टाइम को बचाएगा रिविजन में लगाएगा तो आज हम पढ़ेंगे आज एक तारीख है तो दोपहर बारह बजे मिलेंगे हम इसको लेकर तो आज हम दोपहर बारह बजे हम इसे पढ़ रहे होंगे ठीक है ना दोस्तों परफेक्ट है ठीक है और मैं चाहूं तो आपको बहुत सारी क्लासेस अभी दे सकता हूं लेकिन बहुत सारी क्लासेस मैं जानबूझकर नहीं देना चाहता हूं और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि अब बाकी बचे हुए जो दिन हैं इन बचे हुए दिनों में आप अब क्लासेस 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 क्लास बहुत ज्यादा मत लेना बट पढ़ना ज्यादा कासल क्लासेस बहुत ज्यादा मत ले लेना इससे होगा कि आपका टाइम मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से वेस्ट हो रिवीजन करना है खुद पर क्लास पढ़ने का टाइम समय पूरा गया अभी तक हम लोगों ने संडे सैटरडे इतनी सारी क्लासेस कर, कर कर एक कर करके खूब सारा पढ़ लिया अब सिर्फ रिवीजन करना है रिवीजन करने से ही खुद पर भरोसा होगा और ये बात मैंने बोली है शुरू में ये आप फिर भी याद रखिएगा मन शांत रखना परीक्षा नजदीक है मन शांत रखना मन आपका तभी शांत होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको रिविजन करना वरना क्लासेज क्लासेस क्लासेस क्लास क्लास लेकर तो सब बेकार हो जाएगा हाँ कुछ पीडीएफ वगैरह होंगे ना रिविजन करने के लिए तो आज मैं आपको कुछ कुछ बीच बीच में वीडियो देखिए पीडीएफ जरूर देता रहूंगा तो आप उसे कर लेगा ले ठीक है चलिए नौ बजे मिलते हैं अब मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लू है ना तो मेरे को अंदर भी एनर्जी आ जाएगी बढ़िया तरीके से नौ बजे मिलते हैं बढ़िया से करते हैं पूरे एक घंटा ठीक है चलो बाय बाय दोस्तों टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच थैंक यू एक चीज बताना भूल गया आप में सभी लोग अनकेडमी पर जो नहीं है प्लस पर आना चाहेंगे तो बिल्कुल आना इस कोड का इस्तेमाल करना एवीपी टेन और आपका टेन परसेंट दोस्तों इसमें ऑफ मिल जाएगा जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन लोगे चलिए ठीक है ये इंफॉर्मेशन थी मेरी यहां पर आपको लेकर जो कि हो गई खत्म एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों थैंक यू कैन नाउम वेन वी शैल रिडीज इंडिया दे लगा इसका कई को छोड़ दे ऐसा रास्ते मोड़ दे इसका चल है ये बात परीक्षा करनी है पास, रोके अपनी सास अपनी एक ही आस ये की आस हाँ पिज़ा पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस ना तो ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर गाड़ दे आसमा को फाड़ दे दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है जोर लगा तो जोर लगा।, जो लगा, तो जो लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा लड़ जरा कुछ कर दिखा जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा तू काने बड़ी इनकी भोखते बड़ा भारी है का है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ ज्यादा है तू पाकि से पीछे है तू देखो कितना नीचे है बाप का सिक्का चलता है तेरा बाबा सिक्के है मत इनकी ये धुनेंगी तू बढ़ता जा बस लड़ता जा क्रैक करते जा क्रैक करते जा जोर लगा तू जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा मौका तेरे पास में है जा, लड़ते जा, लाते जा।